نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. मेरे महतरम भाइयों और असीज़ दोस्तों आज के दर्ज़ का आगाज़ सुर मरीम की आयत नंबर छप्पन से किया है अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहि वसल्लम आप किताब में इदरीस का भी तजकर कीजिए हज़रत इदरीसम का इन नहु का नद्दीक़ नबी या बेशक वो भी नहायत सच्चे नबी और पैगम्बर थे इदरीसलातलाम का ज़माना मेरे दोस्तों अजीज़ों हज़रत नू अलीसलातलम से भी पहले का है हज़रत इदरीस इदरीसला सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सी खसूसियात और बहुत से कमालात अता फ़रमाए थे और सबसे बड़ा कमाल तो यही है कि अल्लाह आपको नबी बनाया और यहाँ पर आपकी तारीफ़ फरमाई कि वो मेरा नहायत सच्चा नबी और पैगंबर था और एक खसूसियत अल्लाह ताला उनकी ये बयान करते हैं वरफ़ा ना मकानन अलियाः और हमने उसको बुलंद मकाम पर उठा लिया था यानी एक बुलंद मक़ाम और मर्तबा हमने उसको अता फ़रमाया था इसकी इसकीमा दो तफसीरें करते हैं एक तफसीर तो ये है कि इदरीसली सलात वाम को अल्लाह ताली ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा आसमान पर उठा लिया था उलमा कहते हैं कि चार अम्बिया आज भी ऐसे हैं जो ज़िंदा हैं दो आसमान में और दो ज़मीन में आसमान में हजरत सलाम और हज़रत सलाम और ज़मीन में हजरत हज़रतिया सलाम और हज़रत खिजर सलाम लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों ईसा अलीसलात वाम का आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया जाना यह तो कतई दलाइल से साबित है क़ुरान से हदीस से इसलिए इसका तो इनकार किया ही नहीं जा सकता इसका अगर इनकार करेंगे तो कुफ़्र लाजिम आएगा लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ हज़रत इदरीस सलाम का आसमान पर उठाया जाना तो वो कतई दलाइल से साबित नहीं है कुरान और अहादीस की वाज आयात और रवायात से उनका आसमान पर उठाया जाना साबित नहीं है बल्कि तफसीली रवायात हैं कुछ और कुछ तारीख़ी रवायात हैं जो नहायत कमज़ोर हैं उन रिवायात में कुछ आता है इस तरह का कि किदरीसली सलाम को भी अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठाया था और वो छठे आसमान पर तशरीफ़ रखते हैं बहरहाल ये जो पॉइंट की बात मैंने बताई ये जहन में रहे कि ईसी सलात वाम का तो आसमान पर उठाया जाना ये कतई दलाइल से साबित है लेकिन इदरीसली सलाम का आसमान पर उठाया जाना कतई दलाइल साबित नहीं कुछ तफसीरी तारीखी रिवायात में आता है कि वो छठे आसमान पर जिंदा सही और साल हैं और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि इदरीसलीसलातू वाम की तरफ लोगों ने कुछ ऐसे की नस्बत की जो नाजायज़ हैं मसलन मसला सहर की नस्बत कि आप जादू सिखाया करते थे जादू का इलम था आपके पास इलम नजूम की नस्बत कि आप नजूम का इलम रखते थे और दूसरों को सिखाते थे माज़ल्ला हालाँकि ये उलूम है एक पैगम्बर की शान तो बहुत आला होती है पैगम्बर की शायन शान नहीं है कि वो कोई नाजायज़ काम करे पैगम्बर तो नाजायज़ज़ काम कर ही नहीं सकता क्योंकि पैगंबर मासूम होता है गुनाहों से पाक होता है ख़ुद अल्लाह तरह रास्त उनकी हिफाजत करते हैं तो नाजायज़ काम पैगंबर नहीं कर सकता तो उन लोगों की तरदीद करने के लिए जिन्होंने इदरी सलम की तरफ ऐसे की नस्बत की ये आयत नाजिल फरमा कर अल्लाह ताला ने रद्द फरमाया और ये फरमाया कि देखो पैगंबर की शान के बहुत बीद है ये बात कि तुम उनके बारे में ऐसी बात कहो कि वह इलम नजूम रखते थे या इल्म सहर रखते थे ऐसा हरगिज नहीं है वो रफा अना मकान या वो तो मेरे बहुत बुलंद मक़ाम और मरतबे के नबी और पैगम्बर थे उनको तो हमने बड़ी शान अता फ़रमाई थी बड़ा ऊँचा मकाम मरतबा अता फ़रमाया था वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे और वैसे भी नबी मासूम होता है नबी कोई नाजायज़ काम कर भी नहीं सकता तो यह मतलब है इस आयत करीमा का आगे अल्लाह ताला फ़रमाते उला इकलैन अनुनाबय मन झुर्रियत आदम व मुम्न हमल्मा व मुन झुर्रीयत इब्राहिम व इसराइिल व मुम्न हदैना वज तबैना इज़ातलाम आयातरहन खर्रोसद वबुकिया मेरे अज़ीज़ों यहाँ तक इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने कई नबियों और पैगम्बरों का तसकरा किया मसलन हज़रत ज़करिया सलाम हज़रत यहाँ सलाम हज़रत इब्राहीम सलाम हज़रत इसमाईल और हज़रत इसहाक़ुम सलाम हज़रत मूस सलाम और हज़रत इदरीसम इन तमाम नबियों का इस सूरत में अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया इतने नबियों का तस्करा करने के बाद अब आगे अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये नबी जिनका अभी हमने तजकरा फरमाया ये वो अम्बियाँ हैं ये वो नबी हैं आदम सलाम की औलाद में से जिन पर हमने अपना इनाम फरमाया था ये सारे नबी वह हैं जिन पर हमने अपना इनाम फ़रमाया उनको नबूत अता फ़रमाई रिसालत फरमाई और ये सब आदम की औलाद में से हैं व ममन हमलना मानू और इन नबियों में से बाज़ वो हैं जो नू अ वसलाम की और इन नबियों में से बाज़ उनकी औलाद में से हैं जिनको हमने नूसम के साथ कश्ती में सवार किया था यानी बाज़ तो हज़रत आदम सलातु वसलाम की बराह रास्त औलाद हैं जैसे इदरीसम के बारे में आपने सुना वह बराह रास्त नसल दर नसल आपकी औलाद हैं और बाज़ पैगम्बर वह हैं जो उनकी औलाद में से हैं जो नूसलाम की कश्ती में सवार थे नौ सलाम की कश्ती में बहुत सारे ममिन वो सवार थे उसमें हज़रत नलात वाम के तीन बेटे हाम साम और याफिस ये भी सवार थे और कहते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इंसान आबाद हैं वो सब सलाम की इन्हीं तीन बेटों की औलाद है हाम की साम की या फिर या फिस की और उस कश्ती के अंदर बाकी जो और मर्द थे उनकी आगे कोई नस्ल नहीं चली थी इसलिए सारी दुनिया के अंदर इन्हीं तीन बच्चों की औलाद पाई जाती है तो अल्लाह कहते हैं बाज़ अम्बिया उनकी औलाद में से हैं वमिन जर्रियत इब्राहिम व इसराइल और बाज़ इब्राहीम और याकूब की औलाद में से हैं जैसे हज़रत मूसा सलाम और हज़रत इस्माइल आल साम और हज़रत सलाम ये सब इनकी औलाद में से हज़रत इब्राहीम और हज़रत याक़ूब सलाम की व मुमन हदैन वज तबैना आगे अल्लाह कहते हैं कि ये जितने भी अम्बियाँ हैं इन सब को हमने हिदायत दी थी और इन सब को हमने मनतखब किया था अपने दीन की तबलीग के लिए दीन की ख़दमत के लिए और इनका हाल क्या था इज़ातलाम रहमान, जब इनके सामने रहमान की आयत पढ़ी जाती थी खर्रूसदम तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाया करते थे इतने बरगुसीदा, नेक मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के नबी पैगंबर थे कि जब इनके सामने मेरा कलाम पढ़ा जाता था मेरी आयतें पढ़ी जाती थी तो ये रोते रोते सजदे में गिर जाते हिचकिया बन जाती और अल्लाह के सामने इस तरह से अल्लाह की इबादत करते थे और उससे नियाज की बातें और उसकी मुनाजात करते थे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लफ मुम्बा दिम ख़लफ़ुन अज़ास्लात व तबाउहबात फ़सऊ फ़ैलक़ो नगैया फिर इनके बाद कुछ ऐसे नाखल्फ़ लोग आए दुनिया के अंदर जिन्होंने नमाज़ों को बर्बाद किया शहवात के पीछे पड़ गए और क़रीब वो अपने अंजाम को देख लेंगे अल्लाह कहते हैं ये तो मेरे वो नबी और पैगंबर थे जो मेरे चुनीदा और चहीता नबी और पैगंबर थे बड़े नेक पारसा थे मेरी बड़ी इबादत करते थे दीन की खिदमत करते थे तबलीग करते थे रोते रोते सजदे में गिर जाते थे हिचकियां लग जाती थी लेकिन इनके बाद कुछ ऐसे नाखल्फ लोग आए ऐसे नाखल्फ लोग आए ऐसे किस्म के लोग आए जिन्होंने नमाजों को भी ज़ाय करना शुरू कर दिया हालांकि वो इन्हीं की औलाद में से थे सारे नबियों की औलाद में से पैगंबरों की औलाद में से लेकिन उन्होंने नस्बत की लाज नहीं रखी बल्कि वो नमाज़ों को भी जाया करने लगे और शहवाद के पीछे पड़ गए जैसे आज मेरे अजीज़ों हमारा हाल है हम कितने बड़े नबी से नबी कितने बड़े नबी से हम नस्बत रखते हैं लेकिन और कितनी शान वाली ये उम्मत है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते हुए फ़रमाया था देखो मेरे बाद नमाज़ का ख्याल रखना असलात असालात दुनिया से जाते हुए ये आखिरी नसीहत आखिरी वसीयत अल्लाह के रसूल सला व्म ने अपनी उम्मत को फ़रमाई थी लेकिन यही उम्मत जो इतने बड़े नबी से नस्बत रखती है आज इस उम्मत का क्या हाल है हम नमाजों को ज़ाय करते हैं हम नमाजों को ज़ाय करते हैं हालांकि नमाज मेरे अजीजों हमारे दिन के अंदर क्या मकाम रखती है आप जानते हैं ईमान के बाद सबसे बड़ा हुक्म इस्लाम के अंदर वो नमाज का है और किसी भी हालत में नमाज मुआफ़ नहीं है किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं कोई सफर में हो हज़र में हो शहर में हो जंगल में हो फिज़ा में हो ज़मीन पर हो किसी हालत में माफ नहीं इसी तरह बीमार हो सेहतमंद हो किसी हालत में माफ नहीं आज़ाद हो गुलाम हो मर्द हो या औरत हो बाहर हो या अंदर हो जेल के अंदर हो या बाहर हो किसी भी हालत में नमाज़ माफ़ नहीं हाँ आसानियाँ ज़रूर हैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ कर पढ़ लो बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ लो लेट कर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ लो वज़ू नहीं कर सकते तयम कर लो आसानियां हैं लेकिन नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं लेकिन आज उम्मत का क्या हाल है दो तीन परसेंट के अलावा मेरा अजीज कोई नमाज़ नहीं पढ़ता सब लोग नमाजों को ज़ाय करते हैं और हाल क्या है सब नस्बत करते हैं नबी की तरफ सब नस्बत करते हैं पैगम्बरों की तरफ सब नस्बत करते हैं वलियों की तरफ कोई कहता है मैं सैद हूँ कोई कहता है मैं हाशमी हूँ कोई कहता है मैं फ़ारूक़ी हूँ कोई कहता है मैं सिद्दीकी हूँ कोई कहता है मैं शेख हूँ कोई कहता है कि मैं उस्मानी हूँ कोई कहता है मैं अलवी हूँ साहबा की तरफ नस्बत वलीओ की तरफ नस्बत नबियो की तरफ नस्बत लेकिन नमाज की बारी आती है तो नमाज को गोल कर देते हैं ये है मेरा अजीज अल्लाह कहते हैं कि उनके बाद ऐसे नाखल्फ लोग दुनिया के अंदर आए जिन्होंने नमाजों को ही ज़ाय करना शुरू कर दिया हालांकि वो नबियों की औलाद से ताल हालांकि वो नबियों से ताल्लुक रखते थे नबियों की औलाद थे और क्या किया व तबाउ शाहबात शाहवाद के पीछे पड़ गए अरे अल्लाह तबारक व तला ने एक हद रखी है हर चीज़ की उस हद के अंदर रहकर आप जो काम करना चाहे कर सकते हैं शरीयत की हदूद में रहकर दायरे में रहकर लेकिन अल्लाह कहते हैं उन्होंने दायरे को पार कर दिया हदूद को तजावज़ कर दिया शहवात के पीछे पड़ गए मैंने जिन चीज़ों को हराम किया था वो हराम का इर्तिकाब करने लगे वो शराबे पीने लगे वो बदकारी करने लगे वो झूठ बोलने लगे वो धोखा देने लगे वो फ्रॉड करने लगे वो खयानत करने लगे वो हराम खाने लगे वो सूदी कारोबार करने लगे वो सारे काम करने लगे जिन चीजों को मैंने हराम किया था और इस तरीके से शहवाद के पीछे पड़ गए ख्वाहिश परस्त बन गए शहवत परस्त बन गए रब को छोड़कर अपने नफ्स को ही खुदा बना लिया रब चाही को भूल गए और नफ्स चाही में लग गए बस दिल खुश होना चाहिए नफ्स खुश होना चाहिए रब की नहीं मानते नफ्स की मानते हैं ये देखो अल्लाह ताला मेरा अजीज वो किस तरह ज़रब लगा रहा है हमारे जज्बात पर और आज अपने सीने पर हाथ रख कर बताएं क्या हमारा यह हाल नहीं कि हम अल्लाह की हदूद से तजावज़ कर जाते हैं और हम शहवात के पीछे पड़े हुए हैं ना हलाल और हराम की परवाह करते ना जायज़ और नाजायज़ की परवाह करते ना सच और झूठ की परवाह करते बल्कि सिर्फ अपना नफ्स खुश होना चाहिए खानदान खुश होना चाहिए अपना दिल खुश होना चाहिए अपनी औलाद खुश होनी चाहिए अल्लाह नाराज़ होता है तो हो जाए अल्लाह का रसूल नाराज़ होता है तो हो जाए उसकी हमें कोई परवाह नहीं अल्लाह कहते हैं बाद में ऐसे नाखल्फ लोग आए जिन्होंने नमाज़ों को भी ज़ाय किया और वो ख्वाहिश परस्त बन गए अल्लाह रसूल को छोड़कर अपनी नाजायज़ शहवतों में लग गए और नाजायज़ शहबतों को ही उन्होंने खुदा का दर्जा दे दिया ये मैं नहीं कह रहा हूँ अल्लाह कह रहे अफ़रा तनता खदा अला उन्होंने अपनी नाजायज़ ख़्वाहिशात को ही खुदा बना लिया फ़सऊ फ़ैलक़ नग़ैया अल्लाह कहते हैं अनकरीब अपने अनजाम को देख लेंगे जब मर कर मेरे पास आएंगे पता चलेगा क्या कुछ करके आया और तुम्हारा अंजाम क्या है आगे फ़रमाया हाँ अलबत् वह लोग जिन्होंने गुनाह तो किया लेकिन गुनाह के बाद तोबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे तो फोलाकैदलून जन्ना ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे जन्नत में दाखिल होंगे वला युसलमाशैया और इनके साथ कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा लेकिन तोबा का मेरा अजीज व यह मतलब नहीं कि दोनों कान पकड़ कर कहे अल्लाह मेरी तोबा नहीं तोबा का यह मतलब है जो नमाजें छूटी जो नमाजें छोटी उन नमाजों की कज़ा की जाए ज़क़तें छोटी उन ज़क़ातों की कजा की जाए किसी का हक मारा उसका हक वापस किया जाए तोबा मेरा अजीज़ो ताखीर पर की जाती है ताखीर पर या अल्लाह जो हमसे ताखिर हो गई नमाज में तखिर हो गई ज़क़ात में ताखिर हो गई या हमने किसी का कोई हक मार लिया चूँकि ये नमाज़ का छोड़ना भी तो गुनाह है ज़क़ात का ना देना भी तो गुनाह है इस गुनाह पर अल्लाह ताला तौबा की बात करता है तौबा करो और ये जो गुना किया था मैं इस गुना को तोबा से माफ़ कर दूंगा लेकिन तोबा से किसी का हक़ माफ़ नहीं होता ये मतलब नहीं कि चोरी करो और बाद में तोबा कर लो नहीं उसका माल जिसका चुराया वापस करना पड़ेगा तब जा कर के तौब कबूल है नमाज छोड़ी उसके बाद तोबा कर लो ये मतलब नहीं कि अब उस नमाज़ की छुट्टी हो गई नहीं नमाज़ छोड़ने का जो गुना हुआ था वो गुना तोबा से अल्लाह माफ़ कर देगा बाकी नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी ये मतलब है तो अल्लाह कहते हैं जिन्होंने गुना करके तौबा कर ली अच्छे आमाल करने लगे ईमान भी ले आए तो इनके लिए जन्नत है और इनके साथ कोई नहीं किया जाएगा आगे फरमाया जन्नति अदिन वहमान इबाद इबाद हू बिल गईब इन ना न वह ऐसी हमेशा हमेश की जन्नतें और बागात, जिनका रहमान ने अपने बंदों से वादा कर रखा है ऐसी जन्नत मिलेगी और वादा किस तरह किया बिल बिन देखे ना तो बंदों ने अल्लाह को देखा ना अल्लाह की जन्नतों को देखा बस अल्लाह ताला ने बंदों से वादा किया कि देखो गैब पर बिन देखे ईमान ले आओ मुझ पर भी मेरी जन्नतों पर भी और फिर क्या होगा इन नहु का नवादोह मातिया मैंने तुमसे जो वादा किया जन्नत का मेरा वो वादा ज़रूर पूरा होकर रहेगा एक दिन आएगा तुम्हें वो जन्नत ज़रूर मिल जाएगी और मेरे अजीज़ों याद रखें ये या जन्नत दूर नहीं है और ये जहन्नम भी दूर नहीं है जन्नत भी हमारे करीब है और जहन्नम भी हमारे करीब है सिर्फ दरमियान में मौत हायल मौत मरते ही या तो जन्नत है या जहन्नम है हुजूर ने फरमाया ममाता फ़कद कामत क़्यामत हो जो मर गया तो समझो उसकी तो कयामत आ गई और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमायाबर या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक घड़ा है तो मरते ही मेरा अजीज़ो या तो जन्नत का नजारा है या फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम का गढ़ा है लास मगोन इल्ला सलाम अल्लाह कहते हैं उस जन्नत में कोई भी लगव बात झूठी बात सुनने को नहीं मिलेगी वहाँ तो सिर्फ़ सलामती ही सलामती मोहब्बत ही मोहब्बत राहत ही राहत आराम ही आराम होगा कोई झूठी बात कोई गंदी बात कोई गालम गलोच कोई हसद कोई कीना, कोई जलन कोई भी इस तरह की बीमारी और बुराई जन्नत के अंदर नहीं है वह रिज़ हम फ़ीहा बुक रतम वाशिया और फरमाते हैं अल्लाह के जन्नत के अंदर उनको सुबह शाम रोज़ी दी जाएगी सुबह शाम आम तौर से लोग दो टाइम खाते हैं सुबह को और शाम को और दो टाइम ही बोलते हैं सुबह शाम बो बोला भी यही जाता है और आमतौर से खाते भी लोग दो टाइम ही हैं इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो टाइम का ज़िक्र किया कि जन्नत में सुबह को भी उनको बढ़िया खाने मिलेंगे और शाम को भी बढ़िया खाने मिलेंगे लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ़ दो टाइम मिलेंगे बाकी नहीं नहीं वो जन्नत है अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया व लकुम फ़ी हा मातशतियनफुम व लक़ुम फ़ी हा तुम जो चाहोगे वो मिलेगा जो चाहोगे वो मिलेगा जब चाहोगे तब मिलेगा जितना चाहोगे उतना मिलेगा किसी चीज़ की कोई रोक किसी चीज़ की कोई रुकावट जन्नत के अंदर नहीं है जन्नत ख्वाहिशें पूरी करने की जगह है जहां हा जहां हमेशा तुम अपनी हर एक ख्वाहिश आसानी के साथ और निहायत और निहायत अच्छे तरीक़े के साथ पूरी कर सकोगे तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ दो टाइम रोज़ी मिलेगी जब चाहोगे जितना चाहोगे उतना मिलेगा तिलकल जन्नतुल्लती नूर रिसमिन इबादिना मनकाना तकिया अल्लाह कहते हैं ये वो जन्नत है जिसका जिसका हम वारिस बनाएंगे अपने बंदों में से उनको जो मुतकी और परहेज़गार होंगे इस जन्नत के वारिस कौन बनेंगे मेरे अजीज अल्लाह कहते हैं इस जन्नत के वारिस वही लोग बनेंगे जो दुनिया में तकवे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तहारत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारेंगे गुनाहों से बच कर ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह रसूल की मान कर ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह रसूल की इताद के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह रसूल के अहकाम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारेंगे यही वो लोग हैं जो जन्नत चिन् के वारिस बनेंगे और जो अल्लाह रसूल के बागी बन और ालिम बन और मतकबर बनकर और सरकश बनकर और नाफ़रमान बनकर और अश बनकर और खाश परस्त बनकर और चोर और डाकू बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे उनके लिए मेरे दोस्तों अजीज़ों जन्नत में कोई जगह नहीं है अल्ला कि वो मौत से पहले पहले तोबा कर लें अल्लाह ताला ये जन्नत हम सब को नसीब फरमाए वाखिर तवाना अनिलहमदुल्लि रबी Yeah.